हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रशंजीत और स्वागत करता हूं आप सभी का इस यूट्यूब चैनल प्रोश प्रेजेंट पर। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता होगा, हमारी इंडियन रेलवे की ट्रेनों की कोच को अलग अलग से पार्ट करके उन कोच की इंटीरियर का भी अलग से डिजाइन किया गया है, जिनमें फर्स्ट एसी से लेकर सेकेंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर और जनरल क्लास की जैसा अनेक क्लास शामिल है, जहाँ इन अलग अलग क्लासों की इंटीरियर के साथ किराया का भी काफी अंतर होता है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम हमारी इंडियन रेलवे की जनरल क्लास कोच के बारे में जानते हैं। दोस्तों, जनरल क्लास की कोच को जनरल क्लास के अलावा द्वितीय श्रेणी यानी सेकंड क्लास और अनरिजर्व क्लास के नाम पे भी जाना जाता है, जो हमारी इंडियन रेलवे की एक कंप्लीट अनरिजर्व कोच है, क्योंकि इस कोच पर किसी भी प्रकार के रिजर्वेशन नहीं होते हैं। लेकिन फिलहाल कोरोना महामारी के कारण इन कोच पर भी रिजर्वेशन सिस्टम का लागू किया गया है, ताकि दूसरे कोच की तरह इन कोच पर भी सीट कैपेसिटी लोग यात्रा करें और कोई भीड़ ना हो। उम्मीद है आने वाला दिनों में जब सारी ट्रेन फिर से नॉर्मली चलने लगेगी, तब जनरल कोच से रिजर्वेशन सिस्टम को हटा दिया जाएगी और पहले जैसा चलाया जाएगी, और किसी दूसरे कोच की तुलना में जनरल क्लास की किराया काफी सस्ता होता है, क्योंकि ये कोच कंप्लीट नॉन एसी होता है और इस कोच पर यात्रियों के लिए स्लीपर कोच की जैसा सो के यात्रा करने के लिए नहीं, बल्कि बैठ के यात्रा करने का सुविधा उपलब्ध किया गया है। इसीलिए इस कोच का किराया काफी सस्ता होता है, जिसके कारण इस कोच पर मध्यम वर्ग से लेकर निम्नतम वर्ग के लोग भी आसानी से यात्रा कर सकते हैं। दोस्तों, जनरल क्लास की कोच को कम दूरी के साथ साथ लंबी दूरी यात्रा के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, और इस कोच के माध्यम से किसी भी यात्री को जहां भी जाना हो, वहां तक कि स्टेशन की टिकट काउंटर से जनरल टिकट लेकर उस रूट की ट्रेन पर जनरल क्लास कोच के माध्यम से अपना यात्रा कर सकते हैं, जहां इस कोच की टिकट पर कोई भी सीट नंबर नहीं दिया जाता है। इस कोच पर जहां भी यात्रियों को सीट मिले, वहां पर बैठकर अपना यात्रा कर सकते हैं, और अगर कोच पर पैसेंजर ज्यादा हो और सीट ना मिले, तो खड़ा होकर भी यात्रा करना पड़ता है। और दोस्तों, जनरल क्लास की कोच पर भी हर कोच की तरह चार शौचालय के साथ दो बेसिन दिया गया है, जो हर कोच की दोनों कॉर्नर में होता है। और दोस्तों, जनरल क्लास की कोच को दूसरे कोच से अलग दर्शाने के लिए और दूर से पहचानने के लिए इन कोच की बाहरी हिस्से की दोनों कॉर्नर में पीले या सफेद कलर की धारियां बनाया जाता है, ताकि इन धारियों को देखकर जनरल क्लास की यात्रियों को दूर से ही पता चल जाए कि यही जनरल कोच है और उनको इन कोच पर चढ़ने में कोई परेशानी ना हो। इसके अलावा जनरल क्लास की कोच पर आप लोगों को एक तरफ तीन दरवाजा देखने को मिल जाएगी, जो आप लोगों को किसी दूसरे क्लास की कोच पर नहीं मिलेगी। दोस्तों, जनरल क्लास की कोच पर दो की जगह तीन दरवाजा इसलिए दिया जाता है, ताकि जनरल कोच पर जब ज्यादा भीड़ होती है, तब यात्रियों को ट्रेन में चढ़ने या उतरने में कोई परेशानी ना हो। और दोस्तों, जनरल कोच के अलावा कुछ नॉन एसी चेयर कार कोच पे भी आप लोगों को दो की जगह तीन दरवाजा देखने को मिल जाएगी, और इस कोच पर रेलवे की तरफ से यात्रियों को कंबल, चादर और खाना जैसा चीजों का प्रदान नहीं किया जाता है। ये सब चीजें यात्रियों को खुद से लेकर जाना पड़ता है, या तो अगर ट्रेन पर पेंट्री कार उपलब्ध रहती है, तो पेंट्री कार वालों से भी खाना खरीद कर खा सकते हैं। बात करो अगर जनरल क्लास कोच की कैपेसिटी की, तो दोस्तों एक ICF जनरल कोच का कैपेसिटी 90 लोग प्रति कोच है, जबकि एक LHB जनरल कोच का कैपेसिटी 100 लोग प्रति कोच है, यानी इतने लोग इन कोच पर आराम से बैठकर यात्रा कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, इन कोच पर यात्री ज्यादा होने पर खड़ा होके भी लोग यात्रा करते हैं, जो जनरल कोच की यात्रियों के लिए काफी आम बात है। दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों के मन पे एक सवाल जरूर आ सकता है कि ICF और LHB कोच के बीच क्या अंतर है और इन दोनों कोच की कैपेसिटी में इतने अंतर क्यों होती है। उम्मीद है इसके बारे में कुछ लोगों को पहले से पता होगा, लेकिन जिनको पता नहीं, वो इसी वीडियो की आई बटन से या डिस्क्रिप्शन पर दिया हुआ लिंक पर क्लिक करके एक वीडियो देखकर इन दोनों कोच के बारे में जान सकते हो। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि जनरल कोच के बारे में ये छोटी सी जानकारी आप लोगों को पसंद आया होगा। फिर भी अगर आप लोगों के मन पे कुछ सवाल या सुझाव हैं, तो कमेंट सेक्शन पर जरूर बताइएगा। और दोस्तों, अगर आप में से कोई इस चैनल पर नया हो या अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही रेलवे से जुड़ी छोटी छोटी इन्फॉर्मेटिव वीडियो और अपडेट आपको इस चैनल पर मिलता रहेगा।
तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पर, और धन्यवाद इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए।